दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है, 12 साइंस का डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, अगर ये लेसन अगर आपको बहुत अच्छे से आ गया तो आगे के लेसन पार्ट टू के बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हमें कैसे कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्योंकि एक बच्चे ने कल कमेंट किया था कि सर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो दोस्तों आप जाके पहले प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहां पे 12th मैथ्स लिखा होगा, 12th साइंस मैथ्स लिखा होगा, तो उसमें जो पहला वीडियो होगा वो पहला वीडियो हमने यही बनाया, 25 मिनट्स का वीडियो, वो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आप खुद से सम सॉल्व करोगे। देन इसके बाद हमने कल जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था, आज हम एक्सरसाइज के आगे का पार्ट, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्व करोगे। अब मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो मैं इसे लिख रहा हूं, लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पे दोस्तों हमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो मैं यहां पे लिखता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले इसके पहले याद कराए पर वन बाय वन अभी भी मैं याद ही कराते चलता हूं। अब देखो यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको यहां से देखना है। यहां से अगर आप देखोगे तो आपको कौन दिख रहा है, पहले कॉस दिख रहा है, तो आपको यहां पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे हमने लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे तो हम इसे डी बाई डी एक्स लिखेंगे। यस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों क्या है, माइनस साइन एक्स है। अब एक्स यहां पे अगर आप देखोगे तो x के प्लेस पे यहां पे जो x होना चाहिए था, cos x होना चाहिए था, वहां पे x के प्लेस पे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो आया आप भी वैसे ही लिख दो, यहां पे भी मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैंने लिख दिया। बट दोस्तों यहां पे साइन x आना चाहिए था, बट साइन समथिंग कुछ आया, तो अगर समथिंग कुछ आएगा तो उसे मैं बोलता हूं बैड फंक्शन। और हम क्या करेंगे, फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ बैड फंक्शन हमने बस लिख दिया। एंड देन इसके बाद अगर यहां पे साइन एक्स आया होता तो सम आगे नहीं सॉल्व करते। तो यहां पे देखो साइन हो गया, यहां पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पे ए स्क्वायर हो गया, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये याद कर लो 2x आएगा। और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज जीरो, एंड देयरफॉर माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, ये देखो 2x प्लस 0 2x होगा। एंड देन इसके बाद लिखने के स्टाइल में 2x को हम आगे ले लेते हैं, तो ये माइनस ऐसी रहेगा, 2x होगा, साइन होगा, एक्स स्क्वायर होगा और प्लस ए स्क्वायर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन जोरदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देन अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अब ये यहां पे लेट फिर से हमें लेना पड़ेगा, लेट वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ये जो है रेस टू में है और प्लस 5 नीचे है। अब देखो यहां पे आपको यहां पे दो फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक आपको ये फॉर्मूला लगेगा और दूसरा फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों ई रेस टू एक्स ही होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहां पे ये दो फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैं यहां पे सम सॉल्व कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर यहां पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से देखो आप, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं पता है, अंदर ई रेस टू एक्स वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कैसे करोगे यार, यहां से देखोगे तो आपको रूट दिख रहा है, तो पहले रूट का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो रूट का फॉर्मूला क्या है, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स है बट एक्स के प्लेस पे कुछ और आया है। चलो मैं इसे लिख दे रहा हूं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 2 और मेन प्लस 5। ये हमने कर दिया, अब मैंने यहां पे कर दिया। अब ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, एक्चुअली यहां पे क्या आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था आपका एक्स आना चाहिए था, बट यहां पे कुछ और आया, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। सर इसे तो हम बैड फंक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है ले लेते हैं ई रेस टू 3x प्लस 2
प्लस फाइव, हमने बैड फंक्शन ले लिया। देन उसके बाद यहां पे क्या है, वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव इन टू, यस डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होगा दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स मैंने लिख के दिया ई रेस टू एक्स है। तो देखो मैंने यहां पे डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का मैंने डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स लिखा, बट यहां पे तो x आना चाहिए था, कहां पे x आना चाहिए था सर, सर e रेस टू x का डेरिवेटिव तो e रेस टू x आना चाहिए था, पर यहां पे तो कुछ और है, टेंशन नहीं है, अगर कुछ और आया तो उसको बैड फंक्शन ले लो। देखो मैं यहां पे ले रहा हूं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो मेरा टर्म आया है, टर्म मतलब 3x प्लस 2, मैंने इसको बैड फंक्शन ले लिया, दिखाई दे रहा होगा, यस दिख रहा है 2, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, यस। अब देखो यहां पे, अब ये होने के बाद मैंने यहां पे बैड फंक्शन भी ले लिया, ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव सॉल्व हो गया। अब प्लस ये फाइव वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, जीरो आएगा। अब इसे सिस्टमेटिक अच्छे से लिखो, वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव इन टू। अब देखो यहां पे ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू इन टू, ये देखो ये वाले पार्ट का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा, यहां पे बॉक्स लेना बहुत जरूरी था, नहीं तो बस डेरिवेटिव 3x का होगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो यहां पे 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। और ये वाला पार्ट तो आपको पता ही है 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, मेरा डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है, अब यहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब यहां तक सॉल्व हो गया, देन उसके बाद अब देखो e रेस टू 3x प्लस 2 इन टू, ये देखो 3 वन जा 3 प्लस 0, 3 वन जा 3 है, 3 में अगर मैं 0 प्लस करूंगा तो 3 ही होगा, ऐसे लिख दो। और अगर इसे और सिस्टम से लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं, ये 3 आगे लिख रहा हूं, e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, देखो सॉरी प्लस 5 नहीं है, हाँ ये देखो ये वाला 3 वाला यहां पे रखा, ये लिखा और नीचे क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। समझ में आ सबको? तो यहां पे हमने सिस्टमेटिक ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं कुछ आपको सिखाऊंगा अभी, इस टाइप के क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम क्या चाहता है, इस क्वेश्चन से ये टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहां पे हम सबसे पहले लेट लेंगे y इक्वल टू log ब्रैकेट में लिखेंगे tan x बाय 2 और यहां पे ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या हो जाएगा dy बाय dx, यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा log x। अब देखो यहां से आपको देखना है, यहां पे log x दिख रहा होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। log x का डेरिवेटिव क्या है, ये देखो ये वाला टर्म log, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों आपका x हो जाएगा, x हो जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन क्या होगा x होगा, 1 अपॉन क्या होगा x, और यहां पे x की जगह पे जो फंक्शन आया वो मैं लिख देता हूं tan x by 2, कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों यहां पे सर x आना चाहिए था, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, ये x आना चाहिए था, बट जो भी आया वो क्या हो गया, हमारा बैड फंक्शन क्या हो गया दोस्तों, वो हमारा बैड फंक्शन हो गया। अब देखो मैंने इसको इसलिए इसका डेरिवेटिव लिया, ये वाला सेम टू सेम मैं कॉपी करूंगा tan x by 2 into, अब देखो यहां पे कभी भी tan का जो डेरिवेटिव है, tan का डेरिवेटिव क्या होगा sec square x, क्या होगा sec square x, x की जगह पे जो आया वो मैंने लिख दिया, बट sec square x होना चाहिए था, बट x by 2 है तो इसलिए हमें फिर से उसका वो बैड फंक्शन हो गया वो, और फिर से हमें यहां पे x by 2 कंसिडर करना होगा। अगर मैं आगे बात करूं तो ये 1 upon 10 x by 2 ऐसे ही रहेगा इंटू, अब देखो ये भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव लिखा नहीं है, और इंटू अब देखो डेरिवेटिव ऑफ ये देखो ये इसके x के आगे कुछ नहीं है, 1 है, और मैंने बोला था जब भी ऐसे नंबर्स अगर अकेले होंगे तो 0 हो जाएंगे, जैसे यहां पे अगर 2 ऐसे बस 1 by 2 होता तो 0 हो जाता, पर साथ में x भी है ना, तो यहां पे ये इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 by 2 ऐसे ही आएगा, और या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो ये x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा और नीचे का 2 वैसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट जब सिंगल अकेला होगा तो यहां पे हम क्या करेंगे उसको 0 लेंगे, बट यहां पे x है, और अगर आप ऐसा भी समझ सकते हैं x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 by 2 वहां से है और x का डेरिवेटिव 1 है। देन अगर आप
अब देखो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, अब ये पूरे क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो ये टाइप का कभी भी अगर यहां पे 10 और यहां पे sec दिखाई दिया, कभी भी यहां पे 10 और sec दिखाई दिया, तो ये cosec के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपका डेरिवेटिव सॉल्व हो गया है, बट आपको हमेशा cosec के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को जो पेपर चेकर के लिए जो सीट दिया रहेगा उस पे sec में आंसर cosec में आंसर रहेगा। अब देखो मैं 10 को, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, 10 मतलब क्या था, साइन अपॉन कॉस। देखो मैं इसे लिख रहा हूं साइन अपॉन कॉस एक्स बाई टू, मैंने लिख दिया 10 को। sec को हम क्या लिख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो मैं इसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोलता हूं, तो sec का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, cos के साथ है, तो इसे मैं 1 अपॉन cos लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x बाय टू, देन उसके बाद ये x है, हाँ थोड़ा समझ लेना, इनटू ये 1 बाय टू ऐसे ही रहेगा। अब देखो एक cos, ये एक cos कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पे क्या आया, अब देखो ये 2 मैं आगे लिख रहा हूं और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, साइन x बाय टू इंटू cos x बाय टू। अब यहां पे मैं एक फॉर्मूला लूंगा, यहां पे मैं एक फॉर्मूला लूंगा जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, टेंशन मतलब मैं सब कुछ करा के दूंगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा है, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो इसको मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। अब देखो बहुत सारे लोग फॉर्मूले को बस रट लेते हैं, आप फॉर्मूले का मतलब समझो, यहां थीटा है तो यहां पे क्या है, 2 थीटा है। अगर सपोज यहां पे अगर सपोज 8 थीटा होता, यहां पे अगर समझो 8 थीटा होता तो यहां पे डबल हो रहा है, तो यहां पे कितना हो जाता, 16 थीटा। अब चलो वो भी नहीं समझ में आ रहा, ये 2 दिखाई दे रहा है, यहां 2 है, साइन थीटा दिख रहा है, यस साइन थीटा है, कॉस थीटा दिख रहा है, यस कॉस थीटा है, ये थीटा थीटा दोनों एंगल सेम है, तो मतलब आप इसमें कन्वर्ट कर दो, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, साइन 2 इनटू थीटा कितना है हमारा, यहां पे देखो यहां पे थीटा कितना है, एक्स बाय टू, तो हमने एक्स बाय टू लिखा, तो ये एक्स एक्स क्या हो गया, 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, समझ में आ रहा होगा सबको। देन उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ये देखो मैंने इसको अलग कलर में इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जस्ट 1 अपॉन साइन, और यहां पे देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, x बचा, तो ये 1 अपॉन साइन क्या होगा, 1 अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक x होगा। तो फाइनली देखो हमने इतने बड़े क्वेश्चंस को कैसे हमने कन्वर्ट किया, ये लास्ट का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और पीछे वीडियोस को कर लेना, ये फॉर्मूले ये सब याद करते जाना। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि डेरिवेटिव में कौन कौन से फॉर्मूले जरूरी है आपको ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखो यहां पे ये 10 है, ये रूट एक्स है, अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये डीवाई बाई डी एक्स। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे ना 10 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, भाई 10 का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, यहां से देखो ना रूट दिख रहा है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या आया, 10 रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, एक्स की जगह पे क्या आया था, 10 रूट एक्स हमने लिख दिया, एंड देन इसके बाद 1 अपॉन 2 10 रूट एक्स ऐसे ही होगा लिखा, इनटू, अब देखो 10 का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, यस सर 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स आता है, बट एक्स की जगह पे रूट एक्स है, मैंने लिख दिया, एक्चुअली यहां पे एक्स आना चाहिए था, तो ये क्या हो गया आपका बैड फंक्शन, फिर से हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 10 रूट एक्स इंटू, ये देखो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट एक्स। अब यहां पे रूट एक्स है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है क्या, देखो रूट की जगह एक्स की जगह एक्स आया, तो इसके आगे सम सॉल्व नहीं होगा, बस इसको आप क्या करो सिंप्लीफाई वे में लिख दो, 2 जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, रूट एक्स यहां पे आ जाएगा सेम, तो ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो आगे चलते, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं। कभी भी याद रखना कि मैथ्स के अंदर डेरिवेटिव में इस टाइप में अगर डेरिवेटिव दिखाई दिया तो इसका मतलब समझ जाना कि ये होल रेस्ट टू ले लेना, और यहां पे समझ जाना
कि यहां पे हमें x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहीं पे भी आपको ऐसा दिखाई दिया या ऐसा दिखाई दिया तो समझ जाना यहां पे हमें होल रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब x रेस टू n वाला। अभी जैसे यहां पे ये लिखा है, अब देखो मैं इसको कन्वर्ट कैसे कर रहा हूं, सबसे मेन कन्वर्ट करना होता है। अब देखो यहां पे कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज, मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले कॉट लॉग एक्स क्यूब, हाँ ये क्यूब है ना, मैं इसको कॉमन ले रहा हूं, कॉमन लेने के लिए मुझे ब्रैकेट लेना पड़ेगा। देखो मैंने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन मतलब होल रेस टू ले लिया, देखो पूरे के रेस टू में डाल दिया, जैसे देखो यहां पे था होल में डाल दिया, वैसे आपको यहां पे करना है। अब ये पूरे को आपको x कंसिडर करना है, ये पूरे को आपको, मेरा इसलिए पहला वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, ये पूरे को आपको क्या कंसिडर करना है x। अब यहां पे फॉर्मूला कौन सा आएगा, x रेस टू n का, यस d by dx ऑफ x रेस टू n क्या होगा, n x n माइनस वन, क्या होगा n x n माइनस वन। अब देखो यहां पे मैं सम सॉल्व कर रहा हूं, अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy by dx विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा n, n मैंने लिख दिया, x जो भी x है वो अंदर वैसे का वैसे ही कॉपी कर दो, यहां पे क्या है cot है, यहां पे क्या log है, और यहां पे क्या x cube है, एंड देन हाँ ब्रैकेट क्लोज सही है। अब यहां पे क्या होगा 3 माइनस वन, मतलब देखो n x n माइनस वन, ये फॉर्मूला, बट यहां पे दोस्तों x नहीं आया, तो ये क्या हो गया हमारा बैड फंक्शन, एंड देयरफॉर वी टेक फर्दर डेरिवेटिव ऑफ cot log x क्यूब एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे हमने ये जो पार्ट था इसका हमने डेरिवेटिव लिया, एंड देन आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है इसको ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर लेना है, cot log x क्यूब ब्रैकेट क्लोज, यहां पे देखो 2 हो जाएगा इन टू। अब यहां पे क्या हो जाएगा, cot का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये पूरा का पूरा x हो जाएगा, और cot का डेरिवेटिव क्या है, अब रेस टू में कुछ नहीं है तो cot का डेरिवेटिव क्या होगा, तो cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होगा। अब x की जगह जो टर्म आया वो लिख देता हूं log x क्यूब और ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपका x आना चाहिए था, cot का डेरिवेटिव, जैसे tan का आप डेरिवेटिव लिखते हो tan का sec square x, तो वैसे cot का माइनस cosec square x होगा, cosec square मैंने लिखा x होगा, बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे x के बदले कुछ और आया, तो ये क्या हो गया हमारा बैड फंक्शन। तो हम क्या लेंगे d by dx ऑफ log x क्यूब, समझ में आया होगा आपको, समझा। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी करो, बस अच्छे से आपको ब्रैकेट सब कुछ सिस्टमैटिक लेना है, आपका कभी भी कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। cot log x क्यूब यहां पे 2 इंटू माइनस cosec स्क्वायर log x क्यूब ब्रैकेट क्लोज इंटू डेरिवेटिव, अब देखो ये log x है, ये x हो गया, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 बाय x, x की जगह जो टर्म था मैंने लिख दिया। अब ये क्या हो गया हमारा बैड फंक्शन हो गया, क्योंकि यहां पे x आना चाहिए था, x क्यूब आया, तो फिर से हम x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, जिसको बैड फंक्शन, इसलिए आपको मेरा फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। देन उसके बाद अब देखो बहुत लगभग हमारा सम सॉल्व हो गया, ये देखो ये माइनस साइन मैं बाहर ले ले रहा हूं, ये माइनस बाहर ले ले रहा हूं, यहां पे 3 हो जाएगा, और यहां पे cot log x क्यूब ब्रैकेट क्लोज और यहां पे 2 इंटू, ये देखो माइनस मैंने बाहर ले लिया था, तो ये क्या हो गया cosec स्क्वायर log x क्यूब, बोरिंग मत होना दोस्तों, थोड़ा सा सम है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, x क्यूब। अब देखो यहां पे ये x क्यूब है, x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 3x 2 आएगा, 3 माइनस 1 2, तो यहां पे हमारा पूरा का पूरा सम सॉल्व हो गया। चाहिए तो आप यहां पे ये देखो ये x स्क्वायर और यहां से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x बचा। अब देखो मैं इसको बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अभी देखो ये 3 और 3 यहां पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 9, और यहां से x बचा, तो चाहिए तो आप यहां पे x ले सकते हो, और ये पूरा का पूरा पार्ट cot log x क्यूब होल रेस टू मतलब स्क्वायर देन cosec स्क्वायर log x क्यूब, यहां पे आपका पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया।
पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिया, सिस्टमेटिक सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर ये समझ में आया होगा ये तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे फाई है, साइन है, क्यूब है, एक्स है, प्लस थ्री है। ए रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ये बैड फंक्शन हो जाएगा। ए रेस टू एक्स लॉग ए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो डेरिवेटिव के और जस्ट इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करो, और यहां पे x के बदले जो आया वो बैड फंक्शन हो जाएगा, सम सॉल्व हो जाएगा। देन ये वाला भी सेम सॉल्व करोगे, cos x का अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो जो ब्रैकेट में है वो आपका बैड फंक्शन हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व हो जाएगा। ये देखो ये log x का सेम सम है, जो सेम सम है वो मैं आपको दे रहा हूं। ये देखो ये सब भी पूरे सेम है, e रेस टू एक्स के हमने सम सॉल्व किए। ये देखो स्क्वायर है तो इसको हम होल रेस टू ले लेंगे, टेन का डायरेक्ट सम सॉल्व हो जाएगा और sec का भी सम सॉल्व हो जाएगा। देन इसके बाद ये सम मैं सॉल्व करूंगा, ये सम चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे ये लेट y इक्वल टू e रेस टू log, ब्रैकेट में आएगा log x स्क्वायर माइनस यहां पे क्या आएगा log x। अब देखो यहां पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे मैं सपोज यहां पे कोई नंबर ले रहा हूं a, यहां पे log है और सपोज यहां पे a है और यहां पे b है, log b टू द बेस a। अगर सपोज कभी भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर सेम हो गया तो इसका आंसर डायरेक्ट हम b लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम डायरेक्ट b लिखते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है। क्या लिखना है तो यहां पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा b, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। यहां पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तब ये सम सॉल्व होगा। देन ये y इक्वल टू अगर सपोज यहां पे e है, यहां पे भी इसका पावर नहीं है तो यहां पे इसका बेस नहीं है तो यहां पे बेस भी क्या होगा e होगा, तो ये दोनों सेम हो गया तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूं। देखो जैसे ये दोनों सेम हो गया तो b लिखा, तो यहां पे b वाला पार्ट ये पूरा है तो मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख सकता हूं log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। अब देखो यहां पे मैं एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, यहां पे log की एक और प्रॉपर्टी है log m रेस टू n। अब देखो m के ऊपर अगर n है तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, n आगे लिख सकता हूं और यहां पे log m लिख सकता हूं। समझ में आया होगा सबको, देखो ये अगर m के ऊपर n है तो मैं m को आगे ले सकता हूं, तो यहां पे तो ये पूरे के ऊपर 2 है तो इसको नहीं ले सकता हूं, बट ये देखो ये m के ऊपर है तो इसको आगे ले सकता हूं। देखो मैं यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा log x होल स्क्वायर। अब देखो ये 2 आगे आ गया तो यहां पे क्या होगा 2 log x हो गया। अब जस्ट इसका डेरिवेटिव तो आपको आराम से सॉल्व करने आएगा। ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू यस। अब यहां पे देखो यहां पे मैंने बोला ना होल रेस टू में अगर कुछ होगा तो x रेस टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा अप्लाई होगा, x रेस टू n। अब देखो यहां पे x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो n x n माइनस वन, टू माइनस वन वन होगा और यहां पे x हमारा क्या है log x है दोस्तों। ये देखो ये वाला फॉर्मूला nx n माइनस वन। अब देखो यहां पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया बट दोस्तों यहां पे ये log x होना चाहिए था, मतलब यहां पे log x की जगह पे x होना चाहिए था, तो ये क्या हो गया हमारा बैड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, फिर से हम log x लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। देन माइनस टू ऐसे ही रहेगा, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय x, 1 बाय x हमने लिख दिया तो फाइनली ये 2 log x, ये log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय x और यहां पे क्या है 2 वन जा 2 और अपॉन x। चाहिए तो आप यहां पे 2 बाय x कॉमन ले सकते हो तो अंदर क्या बचेगा log x और यहां से क्या 1, तो यहां पे हमने ये क्वेश्चन भी क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। समझ में आया, यहां पे सिस्टमेटिक देखो हमने यहां पे क्या कर दिया, ये log x का डेरिवेटिव 1 बाय x ये भी हमने सॉल्व कर दिया और हमने क्या कर दिया यहां से 2 बाय एक्स कॉमन ले लिया और ये सम पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो दोस्तों यहां पे ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा x कंसिडर करके x स्क्वायर के फॉर्म में जाना है, x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो अंदर होगा बैड फंक्शन होगा, फिर से उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर से बैड फंक्शन, फिर से डेरिवेटिव, फिर से बैड फंक्शन, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर का जो भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लिया आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो नीचे प्लीज प्यारा सा कमेंट करना और
बहुत ही अच्छे से आप स्टडी करते जाओ, ऐसे पूरा का पूरा मैथ्स आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।